Well, firstly, I love Whose Line Is It Anyway? We've all seen it, grown up on it. Now I'm really excited, looking forward to it, to see it live. And to be a live audience is, I think, amazing. TV pe dekhna, it's one thing, and then to be live, to watch people perform, I love stage. मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ और स्पेशली जब आजकल की फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये रोल मुझे करना चाहिए था. आई रियली फील मूवीज़ हैव कम ऑफ एज एंड देर आर फैंटास्टिक रोल्स फॉर लेडीज़, फॉर गर्ल्स, फॉर हीरोइंस. एंड जो बहुत सारी जो टैबूज हुआ करती थी कि इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अ मदर, यू कान डू दिस, यू कान, मेरे ख्याल में से वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं. एंड आई रियली होप दैट I find a good role and where I can come back and be there. नहीं, actually अभी इस वक्त आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग और मैंने साउथ में शुरू कर दिया है. आई डू फॉर द लास्ट टू ईयर्स आई बीन डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क इन द साउथ एंड यू नो ऑब्वियसली मुझे वो सिंगिंग अराउंड द ट्रीज वाले रोल्स तो नहीं मिलते बिकॉज पर अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं. एंड कैरेक्टर्स में हमेशा ऐसा होता है कि मैं या तो हीरोइन की माँ या हीरो की भाभी या ऐसा कुछ. डेफिनेटली दे गिव मी सम सच रोल्स बट दे गिव मी अ टैग लाइन यंग मदर. तो मैं फ़ोन पे पूछती हूँ कि क्या रोल है, यंग मदर मैम. जैसे अमित जी का जो हुआ करता था टैग एंग्री यंग मैन, आई हैव अ टैग लाइन गोइंग फॉर मी यंग मदर. सो वेल That's just a joke, but I'm really hoping that young mothers and a strong character. I've done some fantastic role in the South, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बॉम्बे में भी कुछ लोग, you know, they the producers give me a fantastic role, so I can come back and be where I belong, where I want to belong, where I love being. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.